मौलाना इतियाज साहब और इस मंच पर उपस्थित सुबह झारखंड के नेता, हम गरीबों मजदूरों अल्पसंख्यक दलितों के मसीहा और सवा 3 करोड़ जनता की आस, झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, मंच पर उपस्थित भाई पार्टी के महासचिव खालिद खलील जी और उपस्थित मंच पर तमाम नेतागण, मौलाना साहब लोग और उपस्थित खोरी महुआ के मेरे भाइयों, प्रेस के मित्रों, आज ईद मिलन समारोह है और मैं इस ईद मिलन समारोह में सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस गंगा जमुना तहजीब की जो ये त्यौहार है, चाहे होली मिलन हो या ईद मिलन हो, ये गंगा जमुना की तहजीब है, ये हमारी सभ्यता है, एक दूसरे को गले लगाना, एक दूसरे से मिल के रहना। ना जाने इस देश में और इस प्रदेश में किसकी इतनी बुरी नजर लग गई है जो हमारी भाई भाई एकता को तार कर रहा है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। समय आ रहा है, सबको सावधान रहने का जरूरत है और किसी को भी जाति या मजहब में आप ना जाए, उस जाति और मजहब में जब आप पड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये नरेंद्र मोदी जैसे राक्षस हमारे बीच आएंगे, रघुवर दास जैसे राक्षस आएंगे और निश्चित रूप से हमारे भाईचारा को खत्म करेगा। इसलिए आने वाले समय में आपको पहचानना होगा, आप देखेंगे कि बहुत सारे सेकुलर पार्टियां आपके बीच आएगी, आपका वोट का ठेकेदार बन जाएगी, कोई मौलाना साहब आ जाएंगे, कोई पंडित साहब आ जाएंगे, कोई पीर बाबा आ जाएंगे, लेकिन जब आपको डॉक्टर इंतजार नहीं पकड़ाता है तो सारे के सारे कहां छुप जाते हैं। कोई कहता है कानून अपना काम करेगा, कोई कहता है कि उसमें मैं कुछ नहीं बोलना, पता नहीं किसको डर लगता है कि डॉक्टर इंतजार अली आखिर आतंकवादी है या क्या है। जब बगल में भूखंबा जमाल, यही का बेटा जमाल का मामला आता है तो सारे सेकुलर पार्टियां अपना अपना बोरिया बिस्तर समेट लेती है। आपको समझना होगा कि कौन नेता, कौन हमारा बेटा, कौन हमारा भाई का दुख दर्द समझता है, कौन सामने आता है। आपकी आप समझ सकते हैं कि जो आपके लिए ऐसा काम कर रहा है, अगर थोड़ा सा भी गलत साबित हो जाए तो उनका कैरियर कहां चला जाएगा। आज जिसके प्रति हम लोग बोल रहे हैं, निश्चित रूप से वो हमारे ऊपर हमला कर देता। और हमको लगता है कि बाबूलाल मरांडी जी ने जो साहस दिखाया, जो कदम उठाया, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। आज डॉक्टर इंतजार अली हो या मोहम्मद जमान हो, दोनों निर्दोष आज साबित हुए हैं और सरकार के मुंह पे तमाचा है और सेकुलर के नाम पे जो वोट बटोरते हैं उसके मुंह पर तमाचा है। ना कोई जमालुद्दीन के लिए कोई मुसलमान नेता आया, ना कोई सेकुलर नेता आया, ना डॉक्टर इंतजार अली के लिए आया। इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाइयों, समय आ गया है, अब पहचानना होगा और जाति धर्म से उठकर एक बार मजबूत करना होगा बाबूलाल मरांडी जी को। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, यहाँ तमाम पार्टियों के नेता लोग बैठे हैं, लेकिन अगर हमको अपने आप को बचाना है, अपने वतन को बचाना है, तो निश्चित रूप से बाबूलाल मरांडी को मजबूत करना होगा। ईद मिलन समारोह में मैं बहुत अधिक ना कहते हुए मैं एक बात कहता हूँ कि हिंदू करवा चौथ मनाते हैं, मुसलमान ईद मनाते हैं, दोनों चांद को ही देखते हैं। कहते हैं कि करवा चौथ पे दीदार आपका और ईद पर भी इंतजार आपका, करवा चौथ पे दीदार आपका और ईद पर भी इंतजार आपका। ये चांद बता तेरा मजहब क्या है, अगर तुझमें फर्क नहीं तो एक जमीन पे तमाशा क्या है। इसलिए मेरे भाइयों, एक दूसरे से मिलकर रहना है, आपस में कोई भी दूरियां को मिटाना